जिनका अपने भाई के साथ रिश्ता है टॉम एंड जेरी जैसा, लेकिन अगर उनके भाई को गलती से भी कोई कुछ कह दे तो ले लेती हैं उसकी क्लास। पूरी दुनिया उनको उनके भाई की वजह से जानती है, लेकिन भाई कहता है कि आज मैं जो भी हूँ अपनी दीदी की वजह से हूँ। वो है क्यूट सी एंड बोल्ड सी रिजा आफरीन। तो चलिए इनकी इंटरेस्टिंग लाइफ स्टोरी जानते हैं और ये भी जानते हैं कि रियाज के लिए उन्होंने अपने करियर को कैसे दांव पे लगाया। 17 अक्टूबर 1997 को जयगांव भूटान में रिजा का जन्म हुआ। रिजा को सब लोग प्यार से रिज्जू कह के बुलाते हैं। रिजा की फैमिली में मम्मी पापा और इनका एक नौटी सा भाई रियाज रहता है। रियाज इन्हें बहुत परेशान करता है, लेकिन वो लोग एक दूसरे को बहुत मानते हैं। रिजा बताती है, मैं बहुत पॉजिटिव सिस्टर हूँ। रिजा रियाज को कद्दू कह के बुलाती हैं, क्योंकि रियाज बचपन में बहुत मोटे थे, लेकिन अगर रियाज को गलती से भी कोई कद्दू या मोटा कह दे तो रिजा की तुरंत लड़ाई हो जाती थी और वो कहती थी कि ये हक सिर्फ मेरा है। रिजा ग्रेजुएट है और वो पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी। उनके 10th क्लास में 80% थे। रिजा ने बहुत मेहनत करके कलकत्ता में एक अच्छी पोस्ट पे जॉब पा ली थी। वो कलकत्ता पहुंची और इधर रियाज की वीडियो वायरल हो गई। उसके बाद रियाज कोई भी वीडियो डालते वो वीडियो वायरल हो जाती। तो रियाज ने रिजा से बात किया कि दीदी आपको वापस आना पड़ेगा और मेरे साथ बॉम्बे जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपनी एक्टिंग स्किल्स में इम्प्रूवमेंट करना चाहता हूँ। रिजा तुरंत वापस आई और रियाज को लेकर बॉम्बे गई। रियाज बताते हैं कि दीदी मेरी हर छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखती हैं, इवन मेरा दिन भी वही शेड्यूल करती हैं। आज मैं सक्सेसफुल हूँ तो सिर्फ उनकी वजह से हूँ, क्योंकि जब मैं सक्सेसफुल नहीं था तो सब लोग कहते थे कि तुझसे नहीं होगा, लेकिन दीदी ने कभी नहीं कहा। उन्होंने हमेशा यही कहा कि तू कर तुझसे होगा। और रिजा भी रियाज की बहुत बात मानती हैं। रियाज के ही कहने पर रिजा ने अपना टिकटॉक अकाउंट बनाया और आज उनके टिकटॉक पर 15 लाख फॉलोवर हैं। इंस्टा पर 6,30,000 फॉलोवर हैं। अगर रिजा की फेवरेट्स की बात करें तो उनकी फेवरेट हीरोइन है दीपिका और आलिया। उनका फेवरेट फूड है बिरयानी, पुष्का और मोमो। और उनका फेवरेट कलर है ब्लैक, ब्लू और वाइट। अगर इनके फ्यूचर ड्रीम की बात करें तो ये अपनी एक्टिंग स्किल्स इम्प्रूवमेंट करना चाहती हैं और आगे चल के अपना एक्टिंग में ही करियर बनाने की सोच रही हैं। चलिए, ये छोटी सी लाइफ स्टोरी थी रिजा आफरीन की। अगर आपको इनके बारे में कुछ और भी पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक, और हमारे चैनल पे आए हैं पहली बार तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल के बेल आइकॉन पे ऑल पे बटन दबा दीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।